एंटीलिया से जुड़े मनसुख हिरेन मौत और सचिन वाजे प्रकरण में देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और केस से जुड़े सीलबंद दस्तावेज देकर मामले की सच्चाई उजागर करने की मांग की है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने जो दस्तावेज जमा कराए हैं वे गोपनीय हैं, जिसे लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार उनके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक नहीं चार केस दर्ज करे सरकार, मैं डरने वाला नहीं हूं और इसका जवाब कोर्ट में देने के लिए तैयार हूं। मामले में FIR भी दर्ज हुआ तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैंने महाराष्ट्र के हित के लिए ये काम किया है। जो एक प्रकार से गुनाह हुआ था और उस गुनाह को छुपाया गया था, 25/8 को रिपोर्ट जाने के बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को छुपाने का काम इस सरकार ने किया था, उसको अगर मैंने उजागर किया है और महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को बचाने का काम किया, ये अगर गुनाह है तो ऐसे चार गुनाह मैं और करूँगा और मैं कैसे सही हूँ ये मैं न्यायालय में जाकर बताऊँगा।